घोसी तहसील सभागार में सोमवार को उपजिलाधिकारी आशुतोष कुमार राय एवं तहसीलदार सुभाष यादव की उपस्थिति में तहसील क्षेत्र के हार्वेस्टर मालिकों की एक बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उपजिलाधिकारी ने बताया कि हार्वेस्टर मालिक बिना SMS सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाए खेतों में प्रयोग किए जाने पर कार्यरत हार्वेस्टर को सीज करते हुए मालिक के खर्चे पर SMS लगाने के बाद ही छोड़ा जाएगा। यदि किसी हार्वेस्टर में SMS नहीं है तो इसके विकल्प के रूप में फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र की व्यवस्था कर हार्वेस्टर के साथ प्रयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष मिट्टी में मिलाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ ही हार्वेस्टर मालिक खेतों में फसलों की कटाई कर सकेंगे। फसल कटाई से 2 दिन पूर्व कटाई क्षेत्र का विवरण कृषि कर्मचारी को सूचित करने के बाद उसकी देखरेख में सुनिश्चित होगा। रबी की बुआई के दौरान किसी भी कीमत में फसलों के अवशेष जलाने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त सभी कार्यों का संपादन कराने की पूरी जिम्मेदारी हार्वेस्टर मालिकों की होगी। नियम विरुद्ध कार्य करने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर तहसील क्षेत्र के मुख्य हार्वेस्टर मालिक के रूप में पौहारी राय, अभिषेक यादव, कुसुम राय, रविंद्र राय, आशुतोष सिंह, नंदलाल मौर्य, नवनीत राय, धर्मवीर सिंह, ललन सिंह, नेहाल अहमद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बैठक ये हार्वेस्टर मालिकों की एक बैठक थी जिसमें कि बताया गया कि एक्स्ट्रा रिपर लगा के हार्वेस्टर मालिकों की जो बैठक थी इसमें जो कहा गया कि जो एक्स्ट्रा रिपर है वो अपने हार्वेस्टर में लगाएं और हर तरीके से पराली न जलाने के लिए अपना अपना प्रयास करें, तो उसका एक पार्ट हार्वेस्टर मालिक भी हैं, इसलिए इनको यहाँ बुलाया गया था और ये मीटिंग की गई थी जिसमें से कि जो भी सूचनाएँ थी, जो गाइडलाइन थी शासन के, उसके अनुसार उन्हें जागरूक किया गया कि आप अपने कौन कौन से यंत्र लगाएं और जिससे कि पराली न जलाई जाए। बस